हेलो रीडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम एक्सचेंजी यूएसडी और नेचुरल गैस फ्यूचर्स के इंटरडे टारगेट्स मार्क करते हैं। तो आज के लिए जो हमने आपको लेवल्स दिए थे, सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कल के लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लिए जो हमने डिसाइसिव लेवल मार्क किया था वो था 1.854। यहाँ से हमने कहा था अगर मार्केट अपसाइड जाती है तो हमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गई है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट में मार्केट काफी देर रेजिस्टेंस लेती रही। थर्ड टारगेट और फोर्थ टारगेट मार्केट ने लास्ट हिट किया है यहाँ पर। इसका मार्केट इसके ऊपर भी गई है। हमारे इसके ऊपर वाला जो लेवल है, इससे रेजिस्टेंस लेकर मार्केट आज नीचे की तरफ गिरी है। तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड थी मार्केट में, वो यहाँ पर पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है। रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट वहाँ से काफी स्ट्रांगली नीचे की तरफ भी गिरी है। तो यहाँ से हमारे जो अपसाइड के टारगेट्स हैं वो एक्टिवेट हुए और वो सारे के सारे हिट भी हुए हैं। उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे लेवल्स जो थे, यहाँ पे देखिए इस लेवल मार्केट ने कितना स्ट्रांगली सपोर्ट लिया है। नीचे की तरफ गिरी है मार्केट, 1.870 पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। उसके बाद अभी जो मार्केट है 1.846, जो हमने लेवल्स मार्क कर रखे हैं उन पर मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट और यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है। तो लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेवल्स में काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स में किस तरह का मूव रहा है। नेचुरल गैस फ्यूचर्स पे शिफ्ट करेंगे। मार्च का फ्यूचर हम ओपन करेंगे। यहाँ से देखिए अपसाइड का ट्रेड एक्टिवेट हुआ था। यहाँ से ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद मार्केट ने फर्स्ट सेकंड टारगेट, यहाँ से सेकंड टारगेट के अराउंड मार्केट गई है। इसमें मार्केट ने रिवर्सल लिया है, सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट किया, फर्स्ट टारगेट हिट किया, सेकंड थर्ड टारगेट हिट करने के बाद थर्ड लास्ट टारगेट से मार्केट सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो अब हम बात करेंगे कल के लेवल्स की, कि एक्सएनजी यूएसडी में कल किस तरह का मूव रह सकता है और कल के लेवल्स को भी मार्क कर लेंगे। सबसे पहले अभी फिलहाल जो डिसाइसिव लेवल है हमारा, वो एक 1.854 का लेवल, दूसरा लेवल है 1.846 का लेवल। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। जो भी लेवल ब्रेक होगा उससे कम ट्रेड देखने को मिलेगा। 1.846 ब्रेक होता है तो 1.839, 1.828, 819 और 809 ये हमारे लेवल्स रह सकते हैं कल के लिए, सेल साइड के लिए। बाई साइड के लिए अगर मूव आता है तो मार्केट हमें सबसे पहले 1.854 ब्रेक करते ही 1.862 ये टारगेट देगी, फिर 1.870, 77 एक ये छोटा सा एक ट्रेड देखने को मिलेगा हमें। यहाँ पे जल्दी से एंट्री और एग्जिट करनी पड़ेगी। उसके बाद 1.890 का हमें लेवल देखने को मिल सकता है। तो एक्सचेंजी यूएसडी में आप इनको मार्क कर लीजिए। अब हम नेचुरल गैस फ्यूचर्स को भी मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डिसाइसिव लेवल है 1, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं सेल साइड पे, ताकि इस पॉइंट को वैलिडेट करेगा। यहाँ से वैलिडेट कर रहा है इसको, साथ के साथ ये जो लेवल्स हैं इनको भी रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये जो लेवल है इसको सबसे पहले ब्लैक मार्क करते हैं। यही हमारा डिसाइसिव लेवल है। इसको अगर ब्रेक कर दिया तो मार्केट सेल साइड पे जाएगी 140, 139.4, 138.2, 137.3। और अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेती है तो 142.8, 43.5, 44.5 ये हमारे लेवल्स रह सकते हैं बाई साइड के लिए। इनको आप मार्क कर लीजिए, हम इनका कल काफ़ी गाइड करने वाले हैं। बाकी डाटा एनालिसिस की वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि डाटा एनालिसिस की वीडियो आपको टाइम फ्रेम्स बताएगी कि कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।